वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर। आज की क्लास कंप्यूटर की होने वाली है, जिसमें आपको पीछे वाली क्लास में आउटपुट इकाई पर चल रहे थे, आज हम कुछ रहे वे जो प्रिंटर पर आ चुके थे। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर पर की जो भी बात होती है, वो उस प्रिंटर के बारे में, प्रिंटर के प्रकार और कितनी प्रकार से प्रिंटर होती है, जिसमें आपको अनेक प्रकार की फोटो कॉपी इत्यादि देखने को मिलती है, इन पर चर्चा की जाएगी। आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट, और जितने भी आपके पीछे वाली कंप्यूटर के, मेरे पीछे भी जो भी लेक्चर हुए हैं, उन पूरे लेक्चर को पूर्ण रूप से लीजिए। अब आपकी क्लास को शुभारंभ करता हुआ मैं कहता हूँ कि प्रिंटर किसे कहते हैं। प्रिंटर किसे कहते हैं? प्रिंटर वह चीज है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर से डेटा को संग्रहण करता है, जो कंप्यूटर से क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। जो कंप्यूटर से डेटा को स्टोर करता है, वो डेटा को स्टोर करने के बाद वह आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट, आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट रेशियो यानी प्राप्त करवाता है। यह है प्रिंटर का कार्य। अब जो आपको सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, वह सॉफ्ट कॉपी आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रदान करवाता है। जो आपको सॉफ्ट कॉपी होती है, वह सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में प्रदान करवाता है। यही प्रिंटर का कार्य होता है, जो एक आउटपुट डिवाइस है, जिनको कंप्यूटर से जो भी कितनी भी प्रकार हो, जिससे भी किसी भी प्रकार से वह कंप्यूटर से डेटा लेता हो, या पेपर या टेक्स्ट के रूप में लेता हो, वह हमारे को आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान प्रेषण करता है। अब हमारे को बताऊं कि प्रिंटर दो प्रकार के माने जाते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के प्रिंटर माने जाते हैं, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर, एक दूसरा आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब एक तो इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, अब ये दो प्रकार बताए। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर होता क्या है? इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटर जिसमें आपको किसी न किसी प्रकार की उपकरण या उपकरण इंस्ट्रूमेंट की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें किसी भी प्रकार से आप फोटो कॉपी या को सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में लेना चाहते हो, तो आप किसी अन्य उपकरण की सहायता लेते हो, या उसमें प्रेशर यानी बल का आप उपयोग करते हो, उसी प्रकार आपको वह कॉपी देता है। इस प्रकार आपका दूसरा होता है प्रिंटर नॉन इनफेक्ट प्रिंटर। जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी प्रकार की फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि इसमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, मतलब नो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई यूज योर हार्ड कॉपी, ठीक है। इसी प्रकार आपको मैं बताऊं, अब इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के भी मूल रूप से अनेक प्रकार माने जाते हैं, जबकि मूल रूप से प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इनफेक्ट प्रिंटर और नॉन इनफेक्ट प्रिंटर। अब इनफेक्ट प्रिंटर के और नॉन इनफेक्ट प्रिंटर के भी अनेक अनेक प्रकार हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रिंटर है, इसको मूल रूप से इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अनेक प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अनेक प्रकार है, जिस प्रकार आपको बताऊं, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर,
चेन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में ही होता है, डॉट इम्प्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। इसी प्रकार लेटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत थर्मल ऑटोमेटिक जनरेटर वाली मशीनें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, जो आप एटीएम मशीन इत्यादि जाते हो थर्मल प्रिंटर कहलाता है, और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। इनपेट प्रिंटर के चार प्रकार, नॉन इनपेट प्रिंटर के चार प्रकार, लाइन प्रिंटर, डम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, नॉन इनपेट प्रिंटर में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, एग्जाम प्रिंटर और लेटर प्रिंटर, ये इनके रूप में मूल रूप से तो दो आपको बताया है। आपके क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन तो मूल रूप से यह पूछा जाता है कि कितने प्रकार के प्रिंटर है, तो मूल रूप से तो दो प्रकार। अब इनके प्रकार पूछ लिया जाता है कि इनपैक्ट प्रिंटर में कितने प्रकार के प्रिंटर है, चार पांच प्रिंटर इसमें आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में चार प्रकार के आते हैं। अब एक एक चरण के रूप में कुल टोटल मिला के नौ प्रिंटर हुए, तो नौ प्रिंटरों के बारे में आपको मुख्यतः जानकारी देता हूँ। लाइन प्रिंटर होता ही है, लाइन इंपैक्टर जो एक बार किसी टेक्स्ट को आप हाईलाइट या प्रिंटर करते हो तो वह किसी एक लाइन को एक साथ प्रिंटर करेगा, जो भी आप अल्फाबेट इत्यादि लिखे होते हैं, वर्ड होते हैं, उनमें सम्मिलित रूप से किसी एक लाइन को वह एक साथ प्रिंटर करेगा, ठीक है। एक साथ लाइन प्रिंटर करेगा। इस प्रिंटर की गति को मैं बताऊं कि वह 30 से 300 वर्ड 30 से 300 वर्ड सॉरी 30 से 30 हजार 30 प्रिंटर है ना, वर्ड एक लाइन में जितने भी 30 वर्ड है, उससे 3 हजार प्रिंटर की वह गति के अनुरूप वह कार्य करता है, कि गति के अनुसार वह कार्य करता है, गति के अनुसार जो आप किसी एक लाइन को छापोगे तो वह एक प्रिंटर में गति करेगा, जिससे भिन्न भी हो सकता है, लाइनों में भिन्न भी अनेक प्रकार के आवरण या मतलब अनेक प्रकार के आपको इनफेक्ट कलर को देखने को मिल सकता है, जिसमें ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर इत्यादि, जो भी इनमें लाइन प्रिंटर आता है उसमें ड्रम प्रिंटर और चैन प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। लाइन प्रिंटर में मतलब मैं आपको बताया कि मुख्यतः आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो तो आप किसी टेक्स्ट को या हाईलाइट करते हो, आप उसकी हार्ड कॉपी चाहना प्राप्त करना चाहते हो, तो उस हार्ड कॉपी में केवल आपको एक पैराग्राफ की एक लाइन ही दिखाई देगी, जो उसकी स्पीड होती है 30 से 3 हजार स्पीड की, भाई 30 से 30 हजार की वर्ड पर
प्रति मिनट के अंतर्गत वह प्रिंटर यानी छाप सकता है। अब है ड्रम प्रिंटर, दूसरा इसका दूसरा क्या, ड्रम प्रिंटर पहला दूसरा। ये ड्रम प्रिंटर ड्रम के अनुसार आप समझ गए होंगे कि बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा। ठीक है भाई, आप इसी प्रकार से समझ गए कि ड्रम है तो ड्रम एक बेलनाकार होगा, जो जिस प्रकार से आप उस पे ड्रम पर उभरे हुए अक्षर होते हैं, उभरे हुए अक्षर होते हैं, वह प्रति मिनट में कितने अक्षर उभरता है, वह कितने सेकंड में और कितने मिनट में वह अक्षर को उभरता है, वह कम से कम 300 से वह कम से कम उस प्रोसेसर की गति से वह टेक्स्ट को छापता है कि एक पंक्ति में वह मुद्रित होने के लिए वह एक प्रिंटर को एक प्रोसेसर की सहायता से वह उस प्रिंटर को छापता है, जिसमें आपको उसकी स्पीड के अंतर्गत आप उसकी स्पीड को आप अनदेखा नहीं कर सकते कि वह एक पंक्ति में मुद्रित होने वाले वर्ड प्राप्त करता है। छपाई की स्थिति में आने पर वह उसे छपाई की स्थिति आती है उस पर, मतलब आप उसके अंतर्गत छपाई की स्थिति करते हो तो आप उसके एक हथौड़े हथौड़े की मार करने पर आपको वह ड्रम प्रिंटर दिखाई रूप में, यदि प्रिंटर करके रूप में आपको प्रोसेसर उपलब्ध कराता है। इसमें एक रिबन होता है, मतलब रिबन, आप रिबन समझ गए होंगे, जिस प्रकार से किसी भी कार्य या रिबन का मतलब आप रबड़ की सहायता से भी उसमें रबड़ आता है, वह उस रिबन को किस प्रकार से छोड़ा जाए और उसकी गति का और विवरण किस प्रकार से देखा जाए, इत्यादि कार्य को देखकर वह सम्मिलित के रूप में दिखाया जाता है। अब इस ड्रम प्रिंटर की गति और वह एक प्रति मिनट में कितने अक्षर को वह एग्जीक्यूट कर सकता है, उसकी गति को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी मतलब इसका शोर तो अधिक होता है। हाँ, और उसके पूछा जाता है कि ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर की उसकी हानि या हानि क्या होती है, मतलब किसी चीज का हम देखते हैं, किसी भी चीज के होते हैं दो पहलू होते हैं, एक तो हानि और एक लाभ, बेनिफिट क्या, हिलमोर सेंस। तो अब इसमें इसकी गति होती है 20 प्रति मिनट, 20 प्रति वर्ड से 2000 2000 प्रति वर्ड प्रति मिनट वर्ड यह छापता है, जिसमें ड्रम प्रिंटर के रूप में आप एक पैराग्राफ के रूप में दिखाई देगा और जिसमें आप अनेक प्रकार के प्रिंटर या वर्ड को छापित कर सकते हैं। ये इसका शोर भी ऊंच होता है भाई, ड्रम प्रिंटर है, रिबन है, हथौड़ों की मारोगी हथौड़ों के मारोगी मारोगे इसके, तो इसमें आपको साफ साफ दिखाई है कि ये शोर तो शोरगुल करने वाला प्रिंटर होगा, शोरगुल करने वाला प्रिंटर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, ये महंगे भी होते हैं, जो कठिनाइयों में एक तो इसमें भाई ड्रम प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर को आप ड्रम के अनुसार समझ गई होगी, बेलनाकार होगा, बेलनाकार होगा, जिसमें छपाई के माध्यम से आप छपाई करना चाहते हो किसी टेक्स्ट की, तो आप हथौड़े की मार करोगे, जिसमें जिसमें आपका शोरगुल एक तो सर्वाधिक होगा, और दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि इसमें एक रिबन की तरह कार्य करता है, जो आप किसी रिबन को छोड़ेगो उस ड्रम के पास, आप किसी रिबन को छोड़ोगे तो वह एक शोरगुल ज्यादा करेगा, और उसकी वर्ण क्षमता मतलब वह प्रति मिनट सेकंड में कितने वर्ड को एग्जीक्यूट कर सकता है, 20 से 2000 की गति गति स्पीड में वह वर्ड को छाप सकता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको यह पूछा जाता है, इसके अंतर्गत आपको बेनिफिट फायदे नहीं पूछा जाता है, सबसे सर्वप्रथम आपको इस प्रकार की गति पूछी जाती है कि इसमें गति किस प्रकार की होती है, लाइन प्रिंटर में वह कितने वर्ड कितने प्रति मिनट में छापता है, तो 30 से 3000 प्रति मिनट में, इसी प्रकार ड्रम प्रिंटर 20 से 2000 प्रति मिनट। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनपुट होता है हर एग्जाम के क्षेत्र के अंतर्गत, उसकी गति को पूछ लिया जाता है कि इस प्रकार की गति को आप किस प्रकार से कितने वर्ड वह छापता है।
अब आपको तीसरा आता है आपका चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर के अनुसार आप समझ गए होंगे, किसी भी कड़ी से कड़ी जुड़ा होता है, मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ा होता है। आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को और टाइपिंग को आप प्रिंटर करना चाहते हो तो वह आपको टेक्स्ट के रूप में चेन, क्या ये सस्ते होते हैं अभी बता दो। ये प्रिंटर बहुत तेजी से घूमने वाले भाई चेन है भाई यार, किसी भी प्रकार आप समझते हो किसी भी सर्किल से वो चेन है तो वो चेन अपनी सर्किल को घूमने लगेगी और वह तेज गति से घूमने लगेगी। जो ड्रम प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है इससे सर्वाधिक गति करने वाले होती है, जो सर्वाधिक गति से घूमता है। और ये पंक्ति है ना प्रिंटर करने के लिए लाइन में वर्ण मेमोरी से प्रिंटर बड़ा बफर में प्रेषित होती है। बैंड को तेज गति से घुमाने का कार्य भी करती है, मतलब इसके अंतर्गत ये चेन है भाई, किसी प्रकार की चेन है, आप चेन ले लिए, अब चेन के अंतर्गत बैंड भी होगा, बैंड भी होगा, जो भी सर्किल होगा उसको वह सर्वाधिक तेज गति से घुमाने की प्रोसेसिंग या प्रक्रिया में वह रहेगा। तेज गति से घुमाया जाता है और इसका शोरगुल भी देखा जाता है तो इसका भी शोरगुल सर्वाधिक होता है, शोरगुल सर्वाधिक होता है। यदि आप किसी मैं आपको बताऊं एक उदाहरण साधारण रूप के, भाई किसी मोटरसाइकिल या साइकिल का चेन चक्का आता है, उस चेन चक्के के अंतर्गत कुछ भी कमी आ जाती है तो एक किस प्रकार से आवाज एक अलग ही आवाज सुनाई देती है, इसी प्रकार ये कि यह भी एक अलग शोरगुल के रूप में आपको देता है। इसकी भाई इसकी गति किस कितनी प्रकार की है, इसकी गति है ना 400 से 2400 भाई एक पेरोग्राफ, या आप किसी प्रिंटर को भाई लाइंस होती है, ये लाइंस लाइंस प्रति मिनट, लाइंस प्रति मिनट, ठीक है, किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ या इत्यादि को आप हार्ड कॉपी के रूप में चाहते हो तो चेन प्रिंटर की सहायता से आप उसको चाहते हो तो वह 1 मिनट में आपको 400 से 2400 प्रति मिनट लाइंस आपको प्रिंटर कर देगा, ठीक है, प्रिंटर कर देगा। अब तीसरा आता है आपका चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट कौन सा, डॉट, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे लोकप्रिय और सीरियल प्रिंटर होता है, सबसे लोकप्रिय प्रिंटर है ये। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे सीरियल कैसा है, सबसे लोकप्रिय एक मैंने नाम लिया कि सीरियल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है, कि सीरियल प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। डॉट मैट्रिक्स आप किसी भी प्रकार से आप यात्रा करना चाहते हो, ट्रेन के माध्यम से यात्रा करने चाहते हो, या एरोप्लेन इत्यादि के वायुमान से आप प्लेन करना चाहते हो, ट्रेवल करना चाहते हो, तो आपको देखा होगा कि किसी भी प्रकार से डॉट अंकीय रूप में दिखाई देता है, आपका नाम भी डॉट के रूप में, आपके पैसे जो भी आपका एड्रेस होता है वह डॉट के रूप में दिखाई देगा, डॉट के रूप में दिखाई देगा इस प्रकार से। इस प्रकार से डॉट में दिखाई देगा, बिजली के ये बिल आते हैं वो भी कभी कभार तो डॉट मैट्रिक्स के आधार पर आते हैं। MICR इनपुट डिवाइस है जो बैंक में चेकआउट करने के लिए जो अंक निर्धारित होते हैं वह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर आधारित होते हैं, जो हमेशा प्रिंटेड की उद्रवाद उद्रवाणी, मतलब ये उद्रवादी न ना, ये तो क्षितिज है, ठीक है, ये उद्वादर है, जो उद्वादर सीरीज के अंतर्गत ये प्रिंट करता है, हमेशा ऊर्ध्वाधर सीरीज के अंतर्गत प्रिंट करता है, रिबन की आवश्यकता नहीं होती इसके,
इसमें सर्वाधिक रिबन की तो जहां आपको मैंने चेन लाइन प्रिंटर बताया था वहां भी, और ड्रम प्रिंटर में थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन यदि इसमें आप रिबन लगाते हो फिर भी आपको ये जो भी ये डॉट मैट्रिक्स के रूप में आपको टेक्स्ट प्रिंटर करना चाहते हो वह अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक और अच्छी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए रिबन लगाया जाता है, लेकिन सामान्यतः कम उपयोग में लिया जाता है। यदि इस टेक्स्ट को हाईलाइट या इत्यादि आप प्रिंटर को टेक्स्ट में हाईलाइट करना चाहते हो तब रिबन का प्रयोग किया जाता है। इस डॉट मैट्रिक्स की विशेषता क्या है? भाई डॉट मैट्रिक्स है, इसकी विशेषता क्या है? एक तो यह कम गति करता है भाई, सबसे पहले इसकी यह है कि यह सबसे कम गति करता है, चाहे इसके आप हानि मानो चाहे लाभ मानो, इसमें गति बहुत ही कम होती है, गति कम होती है। जो भी आप लाइन प्रिंटर करना चाहते हो, जो भी आप टेक्स्ट को प्रिंटर करना चाहते हो, उसमें गति तो एक बहुत ही कम होती है, और बेहतर मुद्रण गुणवत्ता वाला टेक्स्ट टाइप करता है आपके पास, बेहतर गुणवत्ता वाला टेक्स्ट आपको टाइप करके आपको दे दिया जाता है। इसकी गति देखें भाई, इसकी गति किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से आप गति देखना चाहते हो थी ड्रॉपिंग लाइन प्रिंटर के रूप में दिखाई देती है, भाई आपको गति पूछ लिया जाता है कि इसकी गति किस प्रकार से एग्जीक्यूट करती है, तो ड्रॉपिंग आती है। ड्रॉपिंग मतलब आपको बताऊं, जो भी आप ड्रॉइंग के रूप में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आप देखना चाहते हो, चिकित्सा रिसर्च एंड जो भी आप ट्रेवलर्स के स्थान के देखना चाहते हो, आप टिकट बुक करते हो, वह इनका प्रयोग किया जाता है। जो भी मैं कहूं कि नियर प्रिंटर नियर लाइन, इसमें यह और आती है कि नियर नियर लाइन प्रिंटर, यह भी इसी का गुण है। गुणों की बात कर रहा हूं भाई। नियर लाइन प्रिंटर क्या है? लाइन नियर लाइन प्रिंटर मतलब इसके पास की जो भी लाइन होती है, उसकी जो भी पास की लाइन होती है, उस लाइन को इस प्रकार से एग्जीक्यूट करता है कि हमारे समझ में अगर वह वर्ड या वह टेक्स्ट एक रूप में ही मतलब आसपास पास पास में चिपक जाते हैं तो वह टेक्स्ट को हम पहचानने में मुश्किलता और जटिलता प्रदान करवाता है, जिसे हम उस टेक्स्ट को जान नहीं पाते हैं कि उसका शुद्ध नेम क्या है यह शुद्ध वर्तनी क्या है। इस प्रकार से अनेक अशुद्धियां भी इसको देखने को मिलती है, इसलिए कभी भी आप देखा होगा कि बिजली के बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, और शॉपिंग मॉल या ट्रेवल्स आप की होगी कहीं पर भी, आपका इस तरफ जो कंप्यूटराइज्ड किया जाता है वहां तो आपका टेक्स्ट सही होता है, और इस प्रकार के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखा जाता है, तो आप यदि आपको देखने को मिलेगा कि किसी सीरीज ये सीरियल नंबर है, यहां आपका नेम है, यहां नेम है, यहां और किसी चीज का मतलब एड्रेस है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। आप देखना चाहते हो कि आपको इसी प्रकार सामान्य मतलब सामा साम दिखाई दे, फ्रंट सामने दिखाई दे, लेकिन आपको डॉट मैट्रिक्स के प्रिंटर के आधार पर आपको नेम सामा सामने दिखना चाहिए ना, लेकिन आपको नेम यहाँ न दिखकर किसी तरफ या तो ऊपर दिखेगा, ठीक है, ऊपर दिखेगा या आपको दूर दिखेगा, लेकिन फ्रंट जिस प्रकार से लाइन को एग्जीक्यूट करता है सामने वाली स्थिति को, वह सामने वाली स्थिति को एग्जीक्यूट न करके किसी आए दाएं आज दाएं बाएं एवं टॉप बॉटम के अनुसार टेक्स्ट को हाईलाइट करवाकर आपको प्रसारित करता है, जिससे आपको एड्रेस या किसी भी प्रकार की वर्तनी अशुद्धि आती है, जिससे यह प्रयोग में कम किए जाने लगे। लेकिन पहले तो जहां भी आप देखना चाहते हो है MICR
और ट्रेवल्स इत्यादि क्षेत्रों में तो अभी तक भी इसका ही प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें शुद्धता ये होती है कि ये बिजली, भाई ये बिजली बहुत खपत कम करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपका लेटर क्वालिटी प्रिंटर, अब लेटर आता है, लेटर लेटर क्वालिटी प्रिंटर, लेटर क्वालिटी प्रिंटर के मतलब किसी भी प्रकार को आप प्रिंट करना चाहते हो, भाई आप किसी भी चीज को प्रिंट करना चाहते हो या प्रिंटिंग पूर्ण वर्णों को प्रिंट करते हो, किसी भी करेक्टर्स या डॉट्स को, मतलब किसी भी करेक्टर्स या डॉट्स को, कंप्यूटर की भाषा में हर शब्द को करेक्टर्स के नाम से बोला जाता है, डॉट्स इत्यादि होते हैं जो बड़े होते हैं, और लेटर क्वालिटी के अंतर्गत आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊं क्या, डेजी व्हेल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। जो डेजी व्हेल प्रिंटर का प्रयोग करते हैं वह प्रिंटेड एक डेजी यानी फूल जैसी, डेजी व्हेल प्रिंटर का प्रयोग करवाएगा जिसमें आपको एक फूल जैसी आकृति, फूल जैसी आकृति प्रदान करवाएगा, फूल जैसी आकृति इसको प्रदान करवाएगा। अब कि इस डेजी व्हील प्रिंटर की गति कितनी प्रकार की आती है, गति वह 90 वर्ण प्रति सेकंड में, वहां किसकी बात हो रही थी, वहां प्रति लाइन मिनट्स की बात हो रही थी, जबकि यहां प्रति सेकंड के अंतर्गत 90 वर्ण टेक्स्ट को टाइप करके और प्रिंट कर सकता है, जो आपका लेटर क्वालिटी प्रिंटर है, जिसे आप दूसरे रूप के अंतर्गत जाना चाहते हो तो डिजी व्हेल प्रिंटर के रूप में जाना जाते हैं, जो फूल की जैसी की आकृति दिखाई देती है, जो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को आप हाईलाइट या हार्ड कॉपी चाहते हो तो वह 90 वर्ण प्रति सेकंड के अंतर्गत कार्य करके देता है। ये हुए आपके इंपैक्ट प्रिंटर के प्रकारों के, प्रिंटर के प्रकार पूर्ण हुए। अब चलते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार की लाइन या छवियों को बनाते समय आप उस कागज को छूते नहीं हो, भाई किसी भी प्रकार से आप टेक्स्ट या छवियों को, इमेज को आप प्रिंटर करना चाहते हो तो आप उसका हाथ या आप उसे छू नहीं सकते, वो अपने आप आपको करके देगा, फोर्स की आवश्यकता उसे नहीं पड़ेगी, वह अपने आप एक किसी इंकजेट के रूप में स्याही इंक इंक को बौछार करेगा, इंक का बौछार करेगा, वह अपने डिजिटल रूप में आप जो भी आप बौछार करना चाहते हो या प्रिंटर के रूप में, जैसे कम जिस प्रकार आप, मैं जान बताऊं आपको, जो भी ये पंपलेट कंप्लेंट ये आता है ना उसको वह छाप करता है, वह एकदम से प्रेशर के साथ लाइट इमिटिंग के साथ वह चेक की इंकजेट की बौछार करता है, जो आपको टेक्स्ट को प्रिंट करके दे देता है। ग्राफिक्स इत्यादि के उत्पादन के लिए दबाव का प्रयोग करते हैं, और इनका महत्वपूर्ण है नॉन इम्पैक्ट, यानी यह किसी भी प्रकार का शोरगुल या किसी भी प्रकार की साउंड वेदिता इत्यादि का प्रयोग या उत्पादन नहीं करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की तेज की तुलना में, भाई इम्पैक्ट प्रिंटर है उसकी तुलना में यह बहुत ही सस्ते और बहुत तेज गति या तेज वर्ण गति का छाप करने वाले होते हैं। अब मैं आपको बताऊं इसके अंतर्गत सबसे पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर आप समझ गई होगी, नाम लेने से ही समझ गई होगी कि इसमें क्या किसकी सहायता लेता है और किसकी सहायता नहीं लेता। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर पहला इलेक्ट्रॉनिक, अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर एक चुंबकीय रिकॉर्डिंग मैग्नेटिक एक्रोशन के रूप में अट्रैक्शन कार्य करता है, जो मैग्नेटिक यानी चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र को, प्रभाव को
निरूपित करके वह अपने कैपेसिटी को, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कार्य करता है उसको अपने आप आकर्षित करता है। जिसे आकर्षित करने से जो भी आप इंक को आकर्षित करेगा, वही वो मानते हैं कि हम वो इंक को आकर्षित करेगा उसको, क्योंकि किसी की दबाव या प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप आकर्षण करता है, जिससे ग्राफिक्स और पंपलेट वो अपने आप छप जाते हैं, जो भी आप पूरे वर्ल्ड को एकजुट करके आपको प्रदान करता है। इस तकनीक का उपयोग भाई, इस तकनीक का उपयोग आवश्यक रूप से भाई, आवश्यक रूप से भाई उपयोग कहाँ किया जाता है, जो भी आपको आउटपुट आउटपुट ड्रम ड्रम प्रिंटर है ना, आउटपुट ड्रम प्रिंटर इनके रूप में किया जाता है, किस सतह पर लिखा जाता है। चुंबकीय पाउडर, चुंबकीय पाउडर के रूप में ड्रम सतह पर, किस पर, ड्रम सतह पर वह इंक का बौछार करता है, जिससे आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को हाईलाइट करके आप बिना किसी प्रेशर के अनुसार वह उसी कंप्लीट को प्रिंटर करके आपको दे देता है। कहने का मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है जिसमें इंक का प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार के फोर्स की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, यह चुंबकीय पाउडर के रूप, जो चुंबकीय पाउडर होता है, मैग्नेटिक पाउडर, उसको मैग्नेटिक पाउडर होता है, उसको ड्रम की सतह पर बिछाया जाता है, और उस ड्रम की सतह पर बिछाने के बाद जिस किसी भी प्रकार से आप टेक्स्ट को प्रिंटर करना चाहते हो वो अपने आप कुछ सेकंडों में आपको दे दिया जाता है, जिससे जो प्रिंटर चुंबकीय पाउडर होता है उस चुंबकीय पाउडर को अपने आप दबाता है, वो बिजली आकर्षण करती है ना भाई, बिजली अट्रैक्शन करती है, उस अट्रैक्शन को अपने आप करके आपको टेक्स्ट को हाईलाइट करवा देती है। अब आपका नेक्स्ट आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग सर्वाधिक आप अपने बैंकों के अंतर्गत, जो भी आप एटीएम के साथ उपयोग करते हो, जो भी आपका एटीएम आता है, एटीएम वहां इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर जो एटीएम की मशीन आती है उसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुत ही हीट सेंसिटिव, मतलब हीट सेंसिटिव सेंसिटिव का कार्य करती है, जिससे हीट सेंसिटिव का कार्य करती है। ये एक बहुत ही हीट सेंसिटिव का कार्य, मतलब गर्मी को उत्पन्न करता है, सर्वाधिक गर्मी को उत्पन्न करने के वजह, सर्वाधिक गर्मी उत्पन्न करने के वजह से इसको, मतलब जो भी आप कागज में गर्मी उत्पन्न करना चाहोगे, सेंसिटिव का उपयोग करना चाहोगे, तो उस कागज या फोल्डर के रूप में आप, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में आती है, जिसमें आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप लगाते हो, तो वह कुछ सेकंडों में जो प्रोसेसिंग या प्रक्रिया चलती है वह कितना गर्म हो जाता है, 2 मिनट के अंतर्गत वह एटीएम इतना गर्म हो जाता है कि आप पूछे नहीं। और जिस प्रकार आपसे वो प्रिंट, आप बैंक बैलेंस जांच करते हो ना उसी रूप में, तो आपको वह पर्ची रिसिप्ट देता है, वह भी कितनी गर्म और दिखाई देती है वो भी आप देख लेते हो। यह तो हमारा दैनिक उदाहरण है जो कभी भी देख सकते हो। यह कागज पर प्रिंट करता है, प्रिंट करते समय लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह अपने लाइट की तो आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ब्राइटनेस यानी प्रकाश,
जो भी वह छाप करता है वह भी छपाई करता है, उस टाइम उसे अंधेरा मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, वह अंधेरे के रूप में उस प्रेशर के दाब से वह कार्य करेगा जिससे अंधेरा हो जाएगा, और उसी अंधेरे के बीच जो आपको उजाला दिखाई नहीं देता है उसी के बीच में कार्य करके उस प्रिंटर को कार्य कर दे देता है। और यह इसकी गति पूछी जाती है कि इस प्रिंटर्स की गति कितनी प्रकार की होती है या कितनी सेकंड में यह कार्य करता है। यह प्रिंट्स 200 वर्ण मतलब 200 करेक्टर्स प्रति सेकंड के अंतर्गत यह छाप करता है, उसकी छाप लेता है। जो सर्वाधिक एटीएम और एटीएम वाली मशीन आती है ना उसी में प्रकाश, जहां प्रेशर की आवश्यकता ज्यादा पड़े और अंधेरा प्रकाश की लाइट लाइट की आवश्यकता कम पड़े वहां इनका प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक, थर्मल प्रिंटर का। अब है इंकजेट प्रिंटर, नेक्स्ट आपका है इंकजेट, इंक यानी जेट मतलब सर्वाधिक, आप नाम लेते समझ जाएंगे। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर का मतलब उस प्रिंटर को किसी हार्ड कॉपी को मतलब सॉफ्ट कॉपी का आप हार्ड आउटपुट में रिजल्ट प्राप्त करना चाहोगे तब वह स्याही की मतलब इंक की एक साथ बौछार करेगा, उस इंक के प्रेशर के अनुसार ही वह सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रिंटर करके प्राप्त या रिसीव आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। इंकजेट प्रिंटर मतलब जो आपका इंकजेट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसकी तुलना में सर्वाधिक गुणवत्ता पूर्वक वाला होता है, जो चरित्र दर्जनों को छोटे स्याही डॉट्स के द्वारा बनाता है। यह प्रिंटर टेक्स्ट और ग्राफिक्स के बेहतर गुणपादन यानी गुणवत्ता को उत्पादन कर और उसे अच्छी गुणवत्ता वाला एवं तेज प्रिंटर गति वाला बना देता है, जिससे स्याही की इंकजेटिंग करने के लिए इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। लगभग यह सभी मतलब यह लभी लगभग सभी इंकजेट प्रिंटर वाले का प्रयोग क्यों करने लगे, इसलिए प्रयोग करने लगे कि किसी भी प्रकार का हम कंप्लेंट या बर्नर बनाते हैं या किसी भी जाकी वाकी का जो भी कंप्लेंट बनाते हैं उनमें सर्वाधिक टाइम ना लगे, सर्वाधिक बिजली की खपत ना हो, और किसी भी प्रकार के आप प्रिंटर करना चाहते हैं तो वह किसी इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट हमेशा शोर या साउंड करते हैं, जरूर वह साउंड करते हैं, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो बिना साउंड किए हुए या शोरगुल किए हुए किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक कर सके। हर प्रिंटर हर मतलब हर इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कुछ मायने रखता है कि उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है और उस फ्रिक्वेंसी के आधार पर ही वह कार्य कर पाता है, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर वह स्याही इंजेक्ट करके उस प्रिंटर को एग्जेक्ट करके वह अपने कार्यों को इंतजाम देता है। इंकजेट प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं, लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता में लगभग मेल खाता है। एक मानक इंकजेट रेजुलेशन, अब रेजुलेशन मैंने आपको बताया कि जहां आपका मॉनिटर होता है उस मॉनिटर के अंतर्गत जहां पिक्सल दिखाई देते हैं उस पिक्सल की वक्रता मतलब उस पिक्सल के मॉनिटर की विकिरण को आप मापते हैं, आप पिक्सल को आप मापते हैं मॉनिटर की, ये तो विकिरण आ गया पिक्सल के रूप में रेजुलेशन के रूप में कहलाता है, और पिक्सल जहां लंबाई और चौड़ाई का जो आपको उदाहरण देकर बताया था 780 इंटू 1200 के पिक्सल के रूप में बीम के रूप में एग्जूट करके आपको कार्य प्रदानता करवाता है, उसका उत्पादन करता है। अब यह आता है इसका भाई यह कार्य प्रगति कितने सेकंड में या कितने वर्ड को यह छाप करता है, कौन सा एग्जेक्ट प्रिंटर कितने वर्ड को वह एग्जीक्यूट कर सकता है। जो भी ये 300 डॉट प्रति इंच, अब देख लो प्रति इंच के अंतर्गत जो भी इंच के अंतर आएगा, 1 इंच के अंतर्गत आएगा
उस इंच के जितने भी, वह ये एक इंच है, इस इंच के कितने भी वर्ड हो 300 डॉट्स को ही वह एग्जीक्यूट कर पाएगा प्रति सेकंड के अंतर्गत, 300 डॉट्स को ही एग्जीक्यूट कर पाएगा। नए मॉडल में उसमें सुधार आया है, और आजकल तो अनेक प्रकार के सुधार भी होने लगे हैं भी किस प्रकार से सुधार किया जाए। सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयोग करने से ही फायदा बेनिफिट हो पाता है। अब आपका आता है नेक्स्ट लेजर प्रिंटर। लेजर की सहायता से, अब लेजर का नाम सुनते ही आप देखने लगे कि जिस प्रकार से प्रोजेक्टर होता है भाई, जिस प्रकार से प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर में किसी की क्रेन मतलब किरण एक साथ स्लाइड शो करवा के वह अपने आप को प्रिंट करवा के डॉट्स के प्रति सेकंड में, कुछ नैनो सेकंड में आपको वह प्रेक्षण के समय कार्य करवाएगा, जिससे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, ये लेजर इंपैक्ट है ना, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है जो आपको, देखो आजकल ये लेजर प्रिंटर है ना, एक और बात बताऊं, बहुत महंगे होते हैं लेजर प्रिंटर। एयरफोर्स, आर्मी, मतलब अनेक प्रकार की वैकेंसी होती है, उन वैकेंसियों के अंतर्गत आपसे एडमिट कार्ड मंगाया जाता है। उस एडमिट कार्ड को मतलब एक खुदरे कागज और साफ मतलब मुलायम वाले डॉट्स या कागज के अंतर्गत आपको छपाई नहीं करता। वह कहता है कि आप लेजर प्रिंटर का प्रयोग करके उस टेक्स्ट को या एडमिट कार्ड को समर्पित किए, जो जिस प्रकार से आप अवेलेबल कराओगे, वही अवेलेबल कराने के पश्चात समय समय पर इनके रखाव की आवश्यकता पड़ी भाई इन प्रिंटरों की, है ना, क्योंकि ये महंगे भी होते हैं और लाइट खपत ज्यादा भी करते हैं। ये एक साथ अपने 10 पृष्ठों को ही छाप करते हैं। इनमें इनकी गति होती है, इनकी गति क्या होती है कि ये 10 पृष्ठों को ही को एक साथ छाप सकते हैं, इससे ज्यादा ये नहीं छाप सकते या प्रिंट नहीं कर सकते। ओनली 10 प्रिंटों को, यानी 10 पृष्ठों को ही ये छाप कर अपना कार्य समाप्त कर देते हैं। यदि इनसे अधिक उपयोग करवाते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के साथ किया जाता है, और यदि साधारण कंप्यूटर है तो साधारण कंप्यूटर के साथ ये 10 पृष्ठ करेंगे, और यदि मल्टीपल या माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के प्रकार आते हैं उनमें इनका प्रयोग करवाया जाता है लेजर प्रिंटर का, तो ये 300 पृष्ठों तक यह कार्य कर सकता है, 300 पृष्ठों तक। पर लेकिन वह आजकल हमारे जो भी ऑफिस और कार्य ऑफिसों में, बैंक मैनेजरों में, और जो भी है आरकी सेल वाले इत्यादि होते हैं, उनमें 10 पृष्ठों वाला ही लेजर कार्य करवाता है, क्योंकि इनमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता है, क्योंकि वह बहुत महंगे होते हैं, जिससे उनका मिनी और बड़े कंप्यूटर्स के साथ किया जाता है। लेजर प्रिंटर सूचक प्रिंटर के कार्य के लोकप्रिय हो गए, मुख्य रूप से डेस्कटॉप प्रकाशन कार्य के लिए किए जाते हैं। जो भी डेस्कटॉप होता है ना, उसके अंतर्गत यह कार्य करवाता है। अब आता है आपका 3D प्रिंटर, जो अलग ही प्रकार है इसका भी, कहते तो इसको प्रकार से नहीं दे सकते, लेकिन 3D प्रिंटर ये एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें ज्यामिति है XYZ 3D के रूप में दिखाई दे, तो किसी भी वस्तु को आप द्विअवतल के रूप में प्राप्त करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो वहां 3D प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। 3D प्रिंटर एक बहुत ही एग्जीक्यूटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का रूप है। थ्री डी प्रिंटर एक तो समय की बचत करने के साथ साथ इसमें खपत मतलब ऊर्जा ऊर्जा की कमी वो भी कम करवाता है, और दूसरी चीज इनका बजट भी बहुत कम होता है। ये अपने आप को किसी चीज को 3D के प्रिंटर के रूप में दिखाई करवा के अपने आप को एग्जीक्यूटिंग कर और सामान्य रूप से दिखाई करवा देता है। यह है आपके प्रिंटर। अब आपका नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस आती है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप अच्छी तरह से जान गए कि प्रोजेक्टर होता क्या है। प्रोजेक्टर एक पर्दे, एक मस
बड़ी बिजनेसमैन या मीटिंग करने वाले होते हैं आदमी, व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट की जाती है तो वहां प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। जिस प्रोजेक्टर में आपको उस प्रोजेक्टर में आपको क्यों प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार से आप भीड़ इकट्ठी हो और उन व्यक्तियों को आसानी से रूप में किसी चीज को एक्टिविटी या समझाने के रूप में प्रयोग किया जाए या दिखाया जाए, तो हम किस प्रकार से दिखाई जा सकते हैं? यदि 10 या 50 व्यक्तियों से अधिक संख्या हो तो वहां आप पर्दे, एक पर्दा होता है, उस प्रोजेक्टर के रूप में लाइट प्रकाश किरण में चुंबकीय या प्रकाश की वो किरणें आती है वो दिखा के उस पर्दे पर गिराई जाती है। उस पर्दे पर गिराने पर जो आपको अंधेरे के रूप में आप सिनेमा हॉल पिक्चर हॉल में देखते होंगे, वहां प्रोजेक्टर के रूप में आपको फिल्म या मूवीज इत्यादि कार्य दिखाए जाते हैं, वेब डिजाइन के रूप में दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा आता है प्लॉटर, बहुत ही महत्व है प्लॉटर। ये प्लॉटर होता क्या है? ये प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इंजीनियरिंग के कार्यों में आता है कि कलाकृतियों, वेक्टर ग्राफिक्स, बिल्डिंग प्लांस और सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर ग्राफिक्स का एवं कलाकृतियों को इंक पैस या इंकजेट मदद से प्रिंट करता है, जिससे ड्यूरो फ्लैट बड़े प्लॉटर होते हैं। मतलब ये प्लॉटर होते हैं, प्लॉटर इंजीनियरिंग, बड़े वाले व्यक्ति इंजीनियरिंग इनका प्रयोग करते हैं। वह प्रयोग किसमें करते हैं? कलाकृतियां बड़े बड़े बिजनेसमैन अपार्टमेंट में और जो भी आपकी स्मार्ट, मतलब बिल्डिंग प्लान इत्यादि के कार्य में वह मैं डायग्राम डाय मैप या डायग्राम बनाकर वह आपको कार्य को एग्जीक्यूट करना है, जिससे आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन अपॉइंटमेंट या किसी भी प्रकार से आप कलाकृति हो शेप से आप चाहते हो तो आप इंजीनियर से मिल, वह इंजीनियरिंग आपको प्लॉटर के माध्यम से उसका सर्किल या मैप बनाकर आपको दे दिया जाता है, जिसमें आपके टाइम की बहुत ही बचत होती है, बहुत बचत होती है, पैसे भी कमी बहुत कम होती है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्वक वाला चीज होता है। अब स्पीकर, आप सब जानते हो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस में आता है। स्पीकर जो जो मल्टीमीडिया सिस्टम को ऑडियो और सिग्नलों को वीडियो को निर्धारित करता है, जो आप किसी भी प्रकार से ध्वनि उत्पादक साउंड रिमाइंडर आता है जिसे आप आउटपुट के रूप में रिसीव करते हो और आउटपुट में रिसीव करने के पश्चात आप उस संगीतों का श्रवण ऑडियो में प्रदान करके कंपन वाइब्रेट वाइब्रेट का कार्य करता है। स्पीकर हमेशा वाइब्रेट का कार्य करेगा, वाइब्रेट यानी कंपन का कार्य करता है, सर्वाधिक सर्वाधिक कंपन का कार्य करता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लोगों की बड़ी संख्या का। अब तीसरी चीज आती है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में आपने बता दिए भाई, बड़ी संख्या में व्यक्तियों की बड़ी संख्या होने के कारण या उसमें आप असावधानी पूर्वक हो रही है उस चीज को किस प्रकार से समझाया जा सकता है, तो आप प्रोजेक्टर लगा के उस पर्दे के अंतर्गत जो भी आप प्रकाश डायरेक्टिंग करोगे तो वह कार्य में आप हर व्यक्ति को समझा पाएंगे और हर व्यक्ति की वह हर चीज को एक कंफ्यूजिंग की चीज को दूर करके वह आवश्यकता पूर्ण व्यक्तियों की जरूरतमंद को कर सकती है। अब ये फैक्स मशीन आती है जो डॉक्यूमेंट को शून्य कर देती है। फैक्स मशीन
डॉक्यूमेंटों को, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट होता है उनको सामान्य जनरल कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर का कार्य करता है। फैक्स मशीन होती है, फैक्स मशीन अपने आप किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी फाइल को वह एग्जीक्यूट करके उसको स्कैन या इत्यादि कार्य करके या प्रिंट करके उस फाइल को सेव करके जो भी जनरल कंप्यूटर आते हैं उसमें उस फाइल को आगे ट्रांसफर करती है, जिससे उस टाइप रिकॉर्डर या किसी भी प्रकार से अशुद्धि पूर्वक असावधानी पूर्वक कार्य को सम्मिलित या क्रियान्वित करती है। देखो फैक्स मशीन है एक, इसका महत्वपूर्ण उपयोग बताऊं कि ये फैक्स मशीन यदि आपका कार्य, यदि आपके प्रिंटर, आप किसी भी प्रकार का प्रिंटर चाहते हो, उस प्रिंटर को किसी प्रकार से ब्रॉयल हो जाता है, मतलब वो जल जाता है या खराब हो जाता है, तो सामान्य कंप्यूटर में वह सेव बहुत ही महत्वपूर्ण कम रह पाता है, सुरक्षित नहीं रह पाता है। लेकिन फैक्स मशीन में वह डाटा, फैक्स मशीन में वह डाटा सेव रहता है और उस फाइल को आप या डॉक्यूमेंट को पुनः रिकवर करके करके आप उसे हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। यह किसी भी प्रकार के आप फाइल या फैक्स मशीन को हार्ड कॉपी को यदि आपके पास खराब हो जाती है, उस हार्ड कॉपी खराब हो जाने के बजाय आप देखेंगे कि भाई आप हम किस प्रकार से प्राप्त करें, तो आप उस हार्ड कॉपी से फैक्स मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है। यह दोनों के रूप में कार्य करती है, इनपुट के रूप में कार्य करती है और आउटपुट के रूप में। आपको कुछ ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं कि इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है, तो वह है आपकी फैक्स मशीन। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। कोई तो प्रोजेक्टर का नाम ले लेता है, लेकिन कोई मल्टीमीडिया का मतलब ऐसा ले लेता है कि व्यक्तियों के साथ संग्रहित करके जानकारी को एकत्रित करता है, उसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम में जाना जाता है। आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइस, तीसरी चीज आती है आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवाइस, दूसरी तीसरी मॉडेम। हर प्रकार के आप जानकार हो कि मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम एक वाईफाई इंटरनेट की जितने भी प्रकार की सेवाएं होता है, जितने भी प्रकार की नेटवर्क की सेवाएं होती है, वह अपने भाई जो आपकी केबल आती है नेटवर्क संचार के लिए, आप मॉडेम लगाओगे, उस मॉडेम के द्वारा जो भी आपके केबल या नेटवर्क या आप रिक्वायरी करते हो, तो वह आपको एक मॉनिटर या आपका जो भी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप उसमें इंस्टॉल करोगे और मॉडेम की सहायता से आप हरेक कंप्यूटर के क्षेत्र में या संचार प्रणाली में आप नेट की गति को या नेट की व्यवस्था को प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है, मॉडेम का ये काम हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन डिवाइस, जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइस एक से अधिक अधिक फंक्शनों के साथ कार्य करके वह कार्य को संपूर्ण करवाता है, वह मल्टीप्लिकेशन डिवाइस कहलाता है। आज का जो भी आउटपुट डिवाइस थे वह क्लियर हुए और महत्वपूर्ण आज की क्लास में जो भी आपको मैंने प्रिंटर करवाया था वह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। उस प्रिंटर में सबसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उस प्रिंटर में जो भी आप गति बताई गई है कि उनकी गति किस प्रकार की है, वह गति में किस प्रकार से वही वो लाइन प्रिंटर किस प्रकार, इनफेक्ट प्रिंटर, नॉन इनफेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, यह कितने सेकंड में कितने मिनट में और कितने प्रति लाइन मिनट में अक्षर को प्रिंटर कर पाते हैं इत्यादि का, इनका गति का विवरण पूछा जाता है। तो मेरा कहना का यह है
कि आप इस क्लास को अच्छी तरह से लीजिए, और मैं मेरी वाणी को यही विराम करता हूँ। और जो भी पीछे से जो भी क्लास हुई है वो क्लियर पूरी लीजिए। कल की क्लास में आपको कंप्यूटर की मेमोरी, जितनी भी मेमोरी होती है, रैम, रोम, केस और सेकेंडरी मेमोरी और चुंबकीय मेमोरी, टाइप रिकॉर्डर इत्यादि मेमोरियों की बातें की जाएगी। उसमें छोटी से छोटी मेमोरी होती है ना, उसके अंतर्गत MBGB में कितनी प्रकार की मेमोरी होती है, किस प्रकार से गीगाबाइट में मेमोरी आती है, इनकी चर्चा कल होगी। आज की क्लास को मैं यही विराम करता हूँ। और आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और जितने भी पीछे क्लास रह गई है उसको एक साथ लीजिए लेक्चर। मतलब बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी बूंदों से ही हर कार्य की शुरुआत होती है, और उस थोड़ी थोड़ी बूंदों से ही हमारा एक कल्याण हो सकता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जल ही बूंद है। जब आपको पता है कि एक बूंद, मतलब एक बूंद किसी चीज से, एक बूंद की विष या एक बूंद का जीवन व्यापन जड़ी बूटी भी हो, तो वह व्यक्ति के लिए बहुत ही सहायक होती है। तो मेरे का कहना मतलब ये, आज आपको इस लेक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चन मिले या कितने प्रकार के क्या नहीं मिले, किस प्रकार के इनपुट किए जाते हैं वो मिले, पीछे वाली क्लास में किस प्रकार से मैंने आपको एग्जिट करवाया क्वेश्चन, हर लेक्चर में किसी न किसी महत्वपूर्ण कार्य की या यूनिट की इकाई की बात की जाती है। तो मेरा कहना है कि मतलब ये है, आप जो भी क्लास लो माइंडली अनुचित होके लिए, पर जो भी गलती या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है वो मुझे अवगत कराए, मुझे अवगत कराए, ठीक है।